क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा, मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उग्रा के नाम बदलेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। शहरों के नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश से बिहार भी पहुंच गई है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने बीजेपी नेताओं के सामने ही इसको लेकर के सुना दी खरी खरी। और कौन सा वो शहर है, उसका नाम है बख्तियारपुर। क्या उन्होंने कहा, पहले ये सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा, मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उग्रा के नाम बदलेगा। क्या बात करते हैं बख्तियारपुर, बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। अब आपको मालूम है, जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीजें सब। जैसा कि आपने सुना, जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने कहा कि एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौर, जो बीजेपी के हैं, काफी वोकल है, बोलते हैं, जम के बोलते हैं, परवाह नहीं करते हैं। तो जो ओरिजिनल नीतीश कुमार का जिला है वो बख्तियारपुर है, वहीं पे कह रहे हैं जैसा कि मैं वहीं पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये बख्तियारपुर क्यों नाम होना चाहिए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, लिहाजा इसका नाम बदल करके नीतीश नगर होना चाहिए। उसी के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया। संयोग कुछ ऐसा था कि जिस समय नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया, उस समय बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, यानी कि ये बीजेपी के बिहार के बड़े नेता हैं, सभी के सभी थे। और जिस समय नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, वो भड़के कि ये क्या फालतू की बात करते हैं और क्यों उसका नाम बदलेगा, मेरी वहीं पे पैदाइश हुई है। आपको पता है कि जिस समय पार्लियामेंट में नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के बिल आया, उस समय सांसद ने क्या कहा था, क्या बताया था कि जिस बख्तियार खिलजी का कैंप था बख्तियारपुर में, जिसने नष्ट किया नालंदा विश्वविद्यालय को, वहीं उसी बख्तियारपुर का एक आदमी जो है उसका सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, ये कह करके। और नीतीश कुमार ने एकदम दो टुक कर दिया कि बिहार में नाम बदलने वाली राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी नेताओं का चेहरा देखने लायक था, मुस्करा रहे थे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो नाम बदलने वाली राजनीति है, वो नीतीश कुमार उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि ये सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार का ये बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, और उसमें दो वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग नीतीश कुमार की राजनीति को और नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना रहा है, और दूसरा वर्ग जो है ये कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे बदला जाना चाहिए। अब आप सुनिए कि बख्तियारपुर किसके नाम पे पड़ा। दरअसल एक शासक हुआ है कुतुबद्दीन ऐबक, उसका मिलिट्री जनरल था वो बख्तियार खिलजी था, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस जमाने का पूरे विश्व का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था, उसको नष्ट किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बाद में उसी ने बख्तियारपुर उसी के नाम पर सिटी बनी, तो सवाल ये उठ रहा है कि वो गुलामी का प्रतीक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, उसके नाम पे क्यों रहना चाहिए सिटी का नाम, उसको बदला जाना चाहिए। ये बीजेपी का सोचना है और नीतीश कुमार का सोचना है कि इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू की बात है। अब देखते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने बोल तो दिया कि बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, और जो बचौल साहब है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या ये सिलसिला आगे बढ़ता है या यहीं पर थम जाता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।